हालेलुया, हालेलुया, लेकिन अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसी के कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर हमारे नथनों में सांस अंदर और बाहर जा रही है, केवल केवल उसकी करुणा है। कितने लोग हाथ उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं? बोले अपने मुंह से, बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मैं इस भवन में पाया जाता हूँ, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे एक और नया दिन दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने पास में जो बैठे हैं उनको ग्रीट करें और बोले प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष दे। एक या दो जन को जरूर बोले प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह उसका नाम हमेशा बना रहेगा। चाहे आप परेशानी में थे, चाहे आप मुश्किलों में थे, चाहे आप आशीषों में थे, दुख की वादियों से होकर गए, उसने हमें नहीं छोड़ा और साबित किया वो था, वो है और आगे भी आप लोगों के साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया, और प्रभु के नाम की महिमा हो कि हम सब मिलकर एक साथ प्रभु के वचन से हम सीखने जा रहे हैं। आज एक विशेष दिन है, हमारे कॉलेज से करीबन 26 विद्यार्थी ग्रेजुएट होकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर यहाँ से सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं। कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, कुछ लोग सीधे सेवा क्षेत्र में जाएंगे, उनके लिए एक विशेष दिन है। और ये हमेशा हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि बाइबल कॉलेज के लिए, ये हमारे बाइबल कॉलेज के लिए, फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के लिए एक बहुत ही खास बात है कि हमें सपोर्ट करने वाला, हमारे साथ खड़े रहने वाला एक स्थानीय कलीसिया हमारे साथ है, और आप लोग आज प्रार्थना कर आशीष देकर उनको विदा करने जा रहे हैं। इसलिए एक विशेष सभा है और उनको संबोधित करके मैं प्रयास करूंगा कि परमेश्वर का वचन हम सब एक साथ मिलकर सीखें। यशया के पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, और यशया परमेश्वर के शब्दों को कहकर वो बोलता है कि ये दिन तो मेरे सामने नूह के दिन के समान है, परंतु परमेश्वर संसार को नाश नहीं करता, क्योंकि उसने एक बार वायदा किया है कि वो जल से संसार को नाश नहीं करेगा। मैं समझता हूं पवित्र आत्मा इन दिनों में आज हमें यह भी दिखाता है, शायद प्रभु बोलता होगा ये 2017 या ये वर्ष जो गुजर रहे हैं ये नूह के दिन के समान है। बुराइयां हर जगह फैल रही है, हर जगह बुराइयां स्थापित हो रही है, उनके बीच में परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित कर रखा है, कलीसिया को मजबूती से बना के रख रखा है। इफिसियों की पत्री से हम इस पूरे वर्ष में सीख रहे हैं, और एक एक अध्याय हम पहले अध्याय में ही है, और मेरे पास समय कम है, मैं एक अध्याय की ओर आपका ध्यान लेके आना चाहूंगा। हम मिलकर उसको पढ़ेंगे और उसमें से कुछ वचनों को, कुछ बातों को हम सीख कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की जो विदाई समारोह है, जो प्रार्थना और आशीष के साथ जो विदाई समारोह है, उसमें हम शामिल होंगे। पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है, इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है, इफिसियों की कलीसिया में वो 3 साल रहा, और 3 साल सेवा करने के बाद जब वो रोम में अपने आखिरी समय में है, और एक सैनिक के साथ, अगर प्रेरितों के काम 26 को अगर आप प्रेरितों के काम आखिरी अध्याय उसके 16 और 20 को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो एक रोमी सैनिक के साथ बंधा हुआ अपने आखिरी ट्रायल के लिए इंतजार कर रहा है, तब इन पत्रियों को वो लिखता है, और रोम के केस के समान समय में इस पत्री को लिखता है। और ये पत्री अन्य पत्रियों से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि केवल यह इफिसियों की कलीसिया को ही नहीं लिखा गया, परंतु उस एशिया माइनर के जितनी भी कलीसिया थी उन सब कलीसियाओं के लिए यह पत्री लागू होती है, इसके सिद्धांत लागू होते हैं। साथ ही साथ हमारे लिए भी ये बातें लागू होती है, इससे हम सीधे सीधे शिक्षाओं को सीधे सीधे हमारे आत्मिक जीवन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में वो आशीषों के बारे में, अनुग्रहों के बारे में, मिराश के बारे में हम पास्टर पॉल से सुनते आए हैं, और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के बारे में, इन सब बारों में वो कहने के बाद बीच में वो कलीसिया कैसी होनी चाहिए, कलीसिया में एकता होनी चाहिए, किस प्रकार एक मसीही परिवार होना चाहिए, किस प्रकार एक दास और स्वामी का संबंध होना चाहिए, किस प्रकार एक माता पिता और बच्चों का संबंध होना चाहिए, इन सारी बातों को लिखने के बाद वो आखिरी अध्याय की ओर आता है, जिसमें से आज हम थोड़ा मनन करेंगे। अध्याय में वो अर्जेंसी को दिखाता है, अति आवश्यकता को दिखाता है, और उसके बाद कुछ बातों को कहता है। इस आखिरी अध्याय के आखिरी वचनों को देखें तो वो बेनेडिक्शन दे रहा है, आशीर्वाद के वचन बोल रहा है। उससे पहले
जो पैराग्राफ आता है उससे पहले पैराग्राफ में एक बहुत ही अर्जेंसी के बारे में वो कहता है, बहुत ही अर्जेंट। और अगर आप यूनानी भाषा में आप जाएंगे तो जिस काल में वो लिखा गया है उसमें बोलते हैं एरिस्ट टेंस में लिखा गया है, 7 बार उस टेंस में लिखा हुआ है। और वो दिखाता है, एरिस्ट टेंस दिखाता है कि बहुत अर्जेंट है, कुछ कार्य आपको अर्जेंट करना है, तो आप अर्जेंट किसी व्यक्ति को किस प्रकार बोलेंगे, उसने उन्हीं शब्दों में इन वचनों को लिखा गया है। तो आज के मनन के लिए हम निकालें इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, 10वें वचन से लेकर 20वें वचन तक। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 से लेकर 20 तक हम मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। ये पद हम सबको सुपरिचित है, इसमें से कई संदेश हमने प्रभु के दासों से सुना होगा, परंतु परमेश्वर विशेष रूप में आज हम सबसे बात करना चाहता है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 से लेकर 20 तक। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम उसको सम्मान दें, इसलिए आइए हम मिलकर खड़े होकर एक साथ इन वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। अपनी बाइबलों को निकालें, 6वां अध्याय 10 से लेकर 20 तक एक साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मन युद्ध प्रभु और मां से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की नीलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और धार कटो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं और यह भी कि उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आइए अपनी आंखों को हम बंद कर और एक क्षण प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर, तेरा वचन दोधारी तलवार के समान है, हमारे विचारों को जांचता है। होने दे परमेश्वर, जो हमारी आत्मिक आवश्यकता के लिए जरूरी है उन बातों को आज सुबह मिलकर पवित्र आत्मा हम तुझसे सीखने पाए। प्रभु सबों को तू आशीष दे, हमारे कानों को तू खोल दे, एकाग्रता को हमें दे ताकि हम तेरे वचन का सम्मान करते हुए उसे सुनने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस विषय पर कृपया बैठ जाए। इस अध्याय को, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग जब अपने घरों में जाएं तो 4वां अध्याय और उसके 17 से लेकर 24 तक को भी आप जरूर पढ़ें। 4वां अध्याय 17 से लेकर 24 तक, जहां पर विशेष पौलुस पुराने जीवन और नए जीवन के बीच में तुलना करता है। पुराने मनुष्य को हमको उतार कर फेंक कर नए मनुष्य को हमें पहनना है। इतनी बातें हमने प्रभु में जो बातें सीखी हैं उसमें बने रहना है, उस प्रकार का चित्रण वहां पर पौलुस प्रस्तुत करता है। उस बात को भी साथ में देखना जरूरी है। मेरे पास समय नहीं है उसकी तुलना कर प्रचार करने का, परंतु जो पद हमने पढ़ा है उसकी ओर हम आएंगे। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड and in the strength of his power or in the effect of his power, finally be strong in the Lord. Paulus बहुत ही अर्जेंट बात, Paulus समझता है कि आने वाले दिन बुरे हैं और आज के संदर्भ में भी ये लागू होता है, इसलिए हमें अर्जेंसी को उस आवश्यकता को, अति आवश्यकता को समझते हुए इन वचनों को देखना है। Paulus कहता है, finally, मैंने इतनी सारी बातें कही, अंत में तुमसे एक बात कहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह महत्वपूर्ण बात आज भी हमारे लिए लागू होती है। हम मसीह जीवन में इस संसार में जब हम रहते हैं, हमारे पुराने मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व के बीच में अंतर होना चाहिए, साथ ही साथ ये बात भी हमें लागू होती है और ये है कि जब हम उस नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं, मानो पुराने वस्त्रों को हटाकर, सांसारिक वस्त्रों को हटाकर नए आत्मिक वस्त्रों को या नए मसीही वस्त्रों को जब हम पहनते हैं, तो किसी को इंतजार करता है उसको दागमय बना दे, उसको
उसको लज्जित कर दे, उसको उस पर कीचड़ उछाले या किसी भी प्रकार का आक्रमण उस नए जीवन में वो लेके आता है। इसलिए जब कुछ दिन बुरे हैं कलीसिया के ऊपर बहुत सारे आक्रमण, बहुत सारे प्रभाव आने वाले हैं। फ्राइडे को जब फेयरवेल सेरेमनी जब कॉलेज में हो रहा था तो सेकेंड ईयर के ब्रदर्स ने एक ब्यूटीफुल स्किट प्रस्तुत किया और जिसमें एक भाई सुसमाचार एक झंडा था और सुसमाचार उसको थामे खड़ा रहा था। मैं अगर समय होता तो उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए कहता। वो खड़ा रहा और उसके बाद हर प्रकार का प्रलोभन, हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार का उसको सुसमाचार से दूर करने के लिए हर प्रकार का आक्रमण शैतान करता है, वो भाई बना रहता है, चाहे वो पदवी हो, चाहे वो पैसा हो या किसी भी प्रकार का, फिर आक्रमण होता है उसके ऊपर, फिर भी वो अंत तक डटकर बना रहता है। जितने भाई बहन यहां से आशीष पाकर पढ़ाई पूरा करकर सेवा में जा रहे हैं, अब आपके लिए रियल ड्रामा शुरू होने वाला है। वो तो केवल स्किट था, पर तो आप अपने जीवन में, और मैं कहता हूं विश्वासी हमारे जीवन में उस बात को हम महसूस करते हैं, उस बात का अनुभव करते हैं, सच्चा प्रभाव और सच्चा आक्रमण आप देखने वाले हैं। उस समय हमें कैसे तैयार रहना है, हाउ वी हैव टू बी प्रिपेयर, तीन बातें मैं बोलकर मैं जल्दी से बैठूंगा। पौलुस तीन बातों को कहता है, जो जितने लिख रहे हैं उसको लिख लीजिए, जितने लोग अपने मन की पट्टिका में लिख सकते हैं उसको लिख लीजिए। पहली बात कहता है, बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड फर्म, हिम्मत से खड़े रहो और दृढ़ता से खड़े रहो। फिलिपियो उसके छठे अध्याय में 10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी सामर्थ के प्रभाव में बलवंत रहो। और 13वें वचन में और 14वें वचन में लिखा है, स्थिरता से खड़े रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। कितने लोग हम लोग स्थिरता से खड़े रहने वाले हैं, कितने लोग हम स्थिरता से बने रहने वाले हैं। परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी तो क्या हमारा विश्वास डगमगाएगा? परेशानी आएगी, मुश्किलें आएंगी या नई शिक्षाएं आएंगी तो क्या हमारा विश्वास और जो हमारी आस्था है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जितनी बातें आपने बाइबल कॉलेज में सीखी है, आप सेवा में जा रहे हैं, मुश्किलों में जब सामना करेंगे क्या आप उन बातों पर बने रहेंगे? कितने लोग आपने तीन साल, कई लोग यहाँ पे 3 साल 2 साल और 5 साल भी पढ़े हुए विद्यार्थी है जो आप सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं, बहुत कुछ बातें आपने प्रभु से सीखा, बहुत कुछ गुणों को प्रभु से आपने पाया, परंतु आप रियल टेस्ट का समय है जब आप संसार में जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, तब आप परमेश्वर के परमेश्वर की सेवा में शैतान के आक्रमण का सामना कैसे कर सकते हो? पौलुस कहता है स्टैंड फर्म, दृढ़ता से बने रहो, उसकी सामर्थ्य की दृढ़ता से बने रहो। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जब पौलुस इन बातों को कह रहा है उसके साथ एक रोमी सिपाही बंधा हुआ है, एक रोमी सिपाही के साथ वो है और शायद उसकी वेशभूषा को देखते हुए ही आगे वो उसके हथियारों का भी वर्णन करता है। उस रोमी सैनिक का चित्रण उसके मन में आता है और वो मालूम है उसका अंतिम समय आ गया जब उसे गवाही देते हुए, यीशु की गवाही देते हुए शायद प्राणों को भी देना पड़ेगा दृढ़ता से खड़े रहने के लिए। तब वो अपनी कलीसिया को कह रहा है, ऐसा समय आने वाला है जब आपको जैसे एक सैनिक युद्ध के समय दृढ़ता से खड़ा रहता है, वो कभी भी हियाव नहीं खोता या कभी भी सुस्ताता नहीं, दृढ़ता से खड़े रहने का समय आ गया है। वो उस बात का चित्रण करते हुए अपने विश्वासियों को कहता है, स्टैंड फर्म, फाइनली माय बिलीवर्स, स्टैंड फर्म, मजबूती के साथ खड़े रहो। दूसरी बात, कैसे मजबूती के साथ खड़ा रह सकते हैं? पूरे अगर अध्याय को, पूरे इस पत्री को अगर पढ़े तो परमेश्वर के वचन से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन में, सेवा के जीवन में मदद करेगी, परंतु फिर स्पष्ट रूप में पौलुस यहां पर कहता है, उसकी मैं थोड़ी व्याख्या करूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात वो कहता है, पहले बात दृढ़ता से खड़े रहो, परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रभाव को समझते हुए खड़े रहो, और दूसरी बात आपको अगर टिके रहना है, बने रहना है तो परमेश्वर के हथियारों को पहन लो। दूसरी बात वो कहता है, परमेश्वर के हथियारों को पहन लो, पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड। और अगर आप पढ़ेंगे 14 से लेकर उसमें 13 में भी लिखा है कि पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के पूरे उन आत्मिक हथियारों को पूरा पूरा पहनना है, एक तो नहीं पहनना है, पूरे पूरे हथियारों को पहनकर वहां खड़े होना है। इफिसियों 6:13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर
खड़े रह सको, स्थिर रह सको। परमेश्वर ने हम सबको जिम्मेदारियां दी है एक मसीह होते हुए, चाहे हम हमारे कार्य क्षेत्र में हो, बाजार में हो, संसार के बीच में कार्य करते हो, सेवा में हो, हमें कुछ कार्य दिया गया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले इन हथियारों को पहनने की आवश्यकता है। इन हथियारों को पहनने के बाद जो कार्य हमें दिया गया है उसे हमें पूरा करना है, पूरा कर स्थिर बने रहना है। फिर उसके बाद उन हथियारों की व्याख्या वो करता है, मैं और स्पष्ट रूप में कहूंगा अस्त्र शस्त्र की व्याख्या वो करता है। इसलिए सत्य से अपनी कमर को बांध दो, दूसरे में पहली बात वो कहता है, पहला हथियार है सत्य की, सत्य से अपनी कमर को बांध दो। ये संदेश आपने कई बार सुना होगा परंतु उसकी थोड़ी गहराई में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। सत्य से अपने कमर को बांध लो, इंग्लिश में लिखा है द बेल्ट ऑफ ट्रूथ बी अराउंड योर वेस्ट। सच्चाई की जो बेल्ट है वो आपके आपके चारों ओर होनी चाहिए, आपके शरीर पे, आपके आत्मिक जीवन में होनी चाहिए। क्यों बेल्ट पहनते हैं? रोमी सैनिक बेल्ट इसलिए पहनता था ताकि उसके सारे आर्मरी जो है, सारे जो हथियार है उस पे बने रहे और उसके बाद वो अपने हाथों से वो फ्री हो जाए कि जो भी कार्य उसे दिया गया है, चाहे उसको भाला पकड़ना हो, चाहे उसको तलवार पकड़नी हो, उस पे वो बना रहे। परंतु अगर वो बेल्ट नहीं है तो वो एक हाथ से तो शायद झिलम को पकड़ेगा, दूसरे हाथ से ढाल पकड़ेगा, फिर लड़ाई कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम। परंतु सत्य से उस बेल्ट से वो अपने आप को बांध के रखता है ताकि उसके सारे हथियार उसमें बने रहे। आगे के जितने भी अस्त्र शस्त्र बताए रहे हैं उसके लिए ये बेल्ट इंपॉर्टेंट है। सत्य हमारे जीवन में, अब आपको इस प्रचार के बाद शायद बेल्ट आर्मरी सब याद रहेगा परंतु जो उसका मूल अर्थ है वो याद रहे, सत्य को हमेशा थाम के रखें। अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है तो आपका बनाया हुआ सब कुछ एक सेकंड में नष्ट हो जाएगा। कितने लोग हम सच्चाई से, इसलिए इसको याद रखें, पहला अस्त्र है सच्चाई। हमारे जीवन में सच्चाई और खराई बनी रहे, केवल एक दो साल नहीं या विश्वास के प्रारंभिक साल में नहीं, केवल सेवकाई के प्रारंभिक कुछ वर्षों में नहीं, अंत तक आखिरी दम तक वो सच्चाई की बैठ हमारे जीवन में होने पाए, सच्चाई से हम लोग चलने पाए, खराई से हम लोग चलने पाए। एक क्षण लगेगा जब हम सच्चाई में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता कर लेते हैं, आपका पूरा बनाया हुआ जीवन एक दिन में शगड़ हो सकता है, एक दिन में नुकसान हो सकता है। सच्चाई की बैठ दूसरा झीलम, धार्मिकता की झीलम। मैंने ऑर्डर थोड़ा चेंज किया है ताकि आप सबको याद रहे। सच्चाई की धार्मिकता की झीलम, द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता की झीलम। वो लोग झीलम पहनते थे, लोहे की झीलम पहनते था रोमी सैनिक, लोहे की झीलम पहनता था जिसके ऊपर लेदर चढ़ा होता है, और उस लोहे के वो झीलम इसलिए पहनता है ताकि वो चेस्ट को या दिल को तलवार हो या तीर हो उससे वो बचा सके। आपके दिल को बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको धार्मिकता दी है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो धार्मिकता हमें प्रदान दी गई है, और शैतान का हमेशा प्रयास रहेगा कि आपके दिल पर वो चोट पहुंचाए, आपके दिल को वो छू ले, आपके दिल की बातों को वो छूकर आपको गिरा देगा। किसी को अगर आपको गिराना है तो आपको उसको कोई बहुत बड़ा प्रहार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई वचन बोल दो, ऐसा कोई शब्द बोल दो जो उसके कानों से होकर दिल में पहुंच जाए और एक दिन में उसका पूरा जीवन नाश हो सकता है। इसलिए धार्मिकता की वो झीलम और न्यायता की झीलम, राइटियसनेस एंड जजमेंट, वो न्यायता की झीलम हमको पहनना है। जल्दी से मैं आगे बोलूंगा, शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल को हमें रखना है। और रोमी साम्राज्य का अगर ढाल को देखा जाए तो 4x2.5 feet का वो ढाल होता था, एक बोर्ड के समान। वो ढाल लकड़ी का बना है ताकि जो तीर, शत्रु के तीर आते हैं उसमें फंसे, और उसके बाद और उसको चमड़े से ढका जाता था ताकि जो जलते हुए तीर आएंगे वो तीर उस ढाल में लग के बुझ जाएंगे। अगर चमड़ा नहीं होगा तो वो आग बुझेगी नहीं। वो ढाल को पकड़ना है, वो ढाल क्या है? विश्वास की ढाल है हमारे जीवन में। और ये पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, हमारा ये युद्ध का जो चित्रण है, ये युद्ध किसी मनुष्य के प्रति नहीं है या हमारे अधिकारी के प्रति नहीं है, किसी लहू और मांस के साथ, किसी मनुष्य के साथ नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। इसलिए इसके आत्मिक मर्म को आप जरूर समझिए। शैतान आपके ऊपर हर प्रकार के प्रहार करेगा, हर प्रकार के तीरों को लेकर आएगा, एक तीर के बाद दूसरे तीर का आप सामना करेंगे, पर तो हमेशा अगर उस ढाल के साथ बने रहेंगे, वो ढाल है आपका विश्वास। जब परेशानी आपके पास आती है या मुश्किलें आपके पास आती है तो आपका विश्वास कितना मजबूत है।
ऐसा विश्वास कि हम ठीक है प्रभु उस कुछ कार्य कर सकता है, प्रभु के लिए ये संभव है सोचेंगे तो वो विश्वास हमारा स्ट्रांग रहेगा, परंतु जब असंभव की बातें आएगी तो हमारा विश्वास भी थोड़ा हिलने लग जाएगा। मैंने एक बार बोला भी था, कई बार हम ये भी प्रार्थना करने लग जाएंगे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्यों हम विश्वास में डगमगाए, थोड़ा सा हम डगमगाते हैं, परंतु ढाल को हमें बना के रखना है। और ये ढाल ना केवल आपके लिए, आपके विश्वास की ढाल ना केवल आपके लिए उपयोगी है, आपके पास बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है। उसको मैं ये समझाऊंगा, जब रोमी सैनिक, रोमी सेना शत्रु सेना का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रोमी सैनिक अपने ढाल को आगे रखते हैं और ऐसा एक कैनोपी और ऐसा एक फॉर्मेशन बनाते हैं, ऐसा एक पंक्ति या बनावट बनाते हैं कि वो ढाल सामने रहे और उसके पीछे वाली पंक्ति वाला अपना ढाल ऊपर रखता है और उसके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति अपने ढाल को ऊपर रखता है और मानो एक कवरिंग, ढाल की एक कवरिंग ऐसे बनती हुई जाती है। क्योंकि जब शत्रु तीरों को मारता है वो एक एक करके नहीं मारता है, तीरों की बरसात, आगमय तीरों की बरसात उस युद्ध में आती है, वो सारे ऊपर से मानो बारिश हो रही है तीरों की। और उस समय में किसी भी सैनिक की ढाल अगर कमजोर रही, किसी भी सैनिक का विश्वास अगर कमजोर रहा तो वो दूसरे को भी प्रभावित कर देगा, पूरे फॉर्मेशन को प्रभावित कर देगा, पूरी सेना जो टिक कर खड़ी है ना केवल वो अपने लिए सुरक्षा दे रहे हैं परंतु सभी के लिए सुरक्षा दे रहे हैं। इस बात को तीसरे बिंदु से अगर हम 18 से अगर आगे पढ़े तो उस बात को वो साबित, पौलुस साबित करता है उस प्रकार। इसलिए हम विश्वास में स्ट्रांग है, इसलिए परमेश्वर हमको मदद करता है, परंतु आपका विश्वास दूसरों को भी मजबूत करने पाए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा लगता है कि विश्वास में किसी की, विश्वास की ढाल किसी की कमजोर पड़ गई है या उसके विश्वास की ढाल उसने रख दिया है, अलग कर दिया है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है, भाई तू विश्वास में थोड़ा कम हो रहा है, तू लगा, क्योंकि पूरी कलीसिया का मामला है, केवल तेरा मामला नहीं पूरी कलीसिया का मामला है। और पौलुस कहता है इस आत्मिक युद्ध में कलीसिया जब आगे बढ़ती है हर एक की ढाल का एक महत्व है और हर एक को उस फॉर्मेशन में बना रहना है ताकि शत्रु कोई भी एक गैप प्राप्त ना करे ताकि आपकी सेना को नुकसान पहुंचाए। इसलिए विश्वास की ढाल, विश्वास आपके व्यक्तिगत जीवन का विश्वास ना केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है परंतु आप सभी के लिए, अन्य कलीसिया के अन्य सदस्यों के लिए भी संभव है। और मैं जो बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलूंगा, आप जब सेवा में जाओगे, आप शायद किसी संस्था के साथ काम करोगे या स्वयं काम करोगे या किसी अन्य पास्टर के साथ मिलकर काम करोगे, वहां पर इस प्रकार का फॉर्मेशन बनाना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं मैं अकेला में कर सकता हूं, परंतु एक दल के साथ और उस दल में एक साथ, और पौलुस इस बात को समझ रहा है, पौलुस का समय समाप्त हो रहा है और इफिसियों की कलीसिया को वो कहता है कि आगे की लीडरशिप भी ऐसी चलती जाए कि हम सब मिलकर एक साथ उस फॉर्मेशन को, उस बनावट को बना के रखे ताकि शत्रु हमारे बीच में से कोई भी गैप ना प्राप्त करे कि वो हमको नाश कर दे। इसलिए विश्वास की उस ढाल को हमें बना के रखना है। समझ में आ रहा है शत्रु किस प्रकार आक्रमण कर सकता है। और उसके बाद पौलुस कहता है उन्हीं वचनों में, पौलुस आगे कहता है उद्धार का टॉप हमें पहनना है। क्या है टॉप? मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, जो आज की लैंग्वेज में बोलूंगा, हेलमेट हमें पहनना है, उद्धार का हेलमेट, हेलमेट ऑफ सल्वेशन वी हैव टू वियर। क्या हेलमेट किसको सुरक्षा देता है? सिर को सुरक्षा देता है। सिर के अंदर क्या है? सिर के अंदर क्या है? सिर के अंदर जो है वो सही है तो आप सही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप फिर फॉर्मेशन बिगाड़ देंगे। और भारत में यह है, नियमों के लिए हम हेलमेट पहनते हैं, हम में से कई इंक्लूडिंग मी, नियमों के लिए ही हम हेलमेट पहनते हैं, सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। यहां पर लिखा है हेलमेट उद्धार। अगर आपका उद्धार हुआ है और वो ज्ञान आपको मालूम है तो वो उद्धार का ज्ञान और उस सुनिश्चितता को अपने हेलमेट के रूप में पहने, क्योंकि पौलुस को भी मालूम था एफेसस ऐसे स्थान पर है जहां पर बहुत ट्रेड लाइन बोलते हैं, ट्रेड मार्ग में, जहां पे व्यापार का मार्ग है, जैसे मुंबई है जहां पे सारे जहाज आते हैं, वैसे एफेसस भी एक जगह है। और इस प्रकार का आवागमन होगा तो कलीसिया में भी लोग आएंगे और संभव है कि कलीसिया में नई शिक्षाएं या झूठी शिक्षाएं प्रबल होती जाए। पौलुस कहता है अपने उद्धार के टॉप को हमेशा पहन के रखो ताकि कोई भी नया विचार, नई लुभावने वाली बातें भी आ जाए तो आपके सिर को प्रभाव ना कर पाए, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके विचारधारा को प्रभाव ना कर पाए। और इस बात से आप सब एग्री करेंगे कि ये जमाना ही ऐसा है
आजकल फेसबुक में मैंने कईयों से सुना है, फेसबुक में ऐसे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, क्रिश्चियन आर्ग्यूमेंट्स जो लुभाते हैं, बहुत लुभाते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, नई शिक्षाएं आएंगी तो बहुत लुभावनी लगेगी। कई लोग हिब्रू और ग्रीक शब्दों को लेके आएंगे। कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे, सर इसका अर्थ बताइए क्या है, क्योंकि नई विचारधारा आई है उसमें भी वे लोग हिब्रू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई नई शिक्षाएं आएंगी, परंतु आप ध्यान रखना है उद्धार के टॉप का, किस बात से आपका उद्धार हुआ है और किस प्रकार आपका उद्धार हुआ है, वो विचार कभी भी आपके मन से जाने न पाए, शत्रु कभी भी आप पर आक्रमण न कर पाए। कई बार ही हम उसको सोच के रखते हैं, जिस प्रकार हेलमेट के बारे में रखते हैं, हम यहां से निकलेंगे हमारे डिक्की में हेलमेट रहेगा, जैसे ही हम चौराहे पे पहुंचेंगे उठा के हम पहन लेंगे। द अदर डे मैं कुछ दो दिन पहले ये रानी रोड से आ रहा था और हेलमेट पहन रखा था, और ये रोटरी क्लब के चौराहे पे आने से पहले कुछ 300-400 मीटर दूर कुछ सिपाही लोग खड़े हैं और सीटी बजा रहे हैं। तो सीटी, उनकी सीटी की धुन इतनी लुभावनी लग रही है, मैं सोचा ये क्यों सीटी बजा रहे हैं, वो एक्चुअली इंडिकेट कर रहे हैं जो आगे चौराहे पे खड़ा है, देखो एक बंदा आ रहा है बिना हेलमेट के आ रहा है। जरा सोच के देखिए आत्मिक युद्ध में हम बिना हेलमेट के जा रहे हैं और शत्रु की सेना सीटी बजा रही, भैया ये बंदा बिना हेलमेट के आ रहा है, पकड़ो उसको। कितने लोग तैयार है केवल सुरक्षा के लिए ही हम उसको पहने, केवल नियमों के लिए। इफिसियस में, इफिसियस की पत्री में, इफिसियंस में लिखा है इसलिए हमें पहनना नहीं, हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए हमें पहनना है। मेरा समय जा रहा है, आगे को शूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पल, सुसमाचार सुनाने के तैयारी के जूते, सुसमाचार सुनाने की तैयारी के जूते। ये केवल बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही लागू नहीं होता है, ये सभी को लागू होता है। सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग कितने लोग तैयार हैं? हाँ, कभी मौका मिला तो सुना देंगे, या कभी किसी ने पूछ लिया तब सुना देंगे, हर समय हमें तैयार रहना है। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आप सब लोग यात्रा करते हैं, घर से निकलते हैं और शायद कुछ ना कुछ आप भूल जाएंगे, कभी गैस बंद करना भूल जाएंगे, कभी नल बंद करना भूल जाएंगे, कभी लाइट बंद करना भूल जाएंगे, और शायद ट्रेन में बस में बैठे बैठे ये याद आएगा कि अरे कोई बंद तो नहीं किया, या खुला छोड़ तो नहीं दिया, कि शायद अपने पड़ोसी को फोन लगाएंगे भैया लाइट जल रही है तो मेन स्विच बंद कर देना। पर वो एक चीज है जो हम कभी नहीं भूलेंगे, बिना जूते पहने हुए हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे, कभी भी निकलते हैं बिना जूते पहने। जरा कल्पना करके देखिए, आज जरा कोशिश करके देखिए, आज मुझे चेटक तक मार्केट जाना है, मैं बिना जूते पहने जाऊंगा, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में वो सेट हो चुका है, हम वो जूते पहन के ही बाहर जाएंगे, कभी भी बिना जूते पहने या नंगे पैर हम नहीं जाएंगे। जरा सोच के देखिए, आप ट्रेन का इंतजार करके खड़े हैं, सब कुछ आपके साथ है, शायद टिकट भूल गए होंगे, सब कुछ भूल गए होंगे, परंतु जूते को आप देखेंगे बिना जूते पहने में आ गया, कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। हम सुसमाचार की तैयारी में भी ऐसे ही करते हैं। और रोमी सैनिक को जूते पहनना इतना इसलिए जरूरी था ताकि मार्ग के कोई भी परेशानी उस फॉर्मेशन को तोड़ ना सके, कोई कांटा कोई पत्थर उसके पैर में लग ना पाए कि वो थोड़ा सा डगमगा जाए, और जो शील्ड उन्होंने बना रखी है वो थोड़ी सी डगमगा जाए। जूतों को भी, जूते पहनना, सुसमाचार के सुसमाचार सुनाने की तैयारी के जूते। और आजकल ऐसा जमाना है हर ओकेशन के लिए जूते हैं, आप ऑफिस में पहनने वाले जूते पहनकर फुटबॉल खेलने नहीं जाएंगे, फुटबॉल के लिए हम स्पेशल एक जूता खरीद के लाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, फुटबॉल का जूता पहनकर हम लोग ऑफिस में नहीं जाएंगे, या चप्पल पहनकर ऑफिस में नहीं जाएंगे, हर ओकेशन के लिए हमारे पास जूता रहता है। हम क्या हर ओकेशन के लिए तैयार हैं प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए? किस किस अवसरों पर हम तैयार हैं प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए? इन दिनों में मेरे एक साथ में पड़े हुए व्यक्ति का एक फोन कॉल आया, और उनका जो टीम है गॉस्पल वेबसाइट के थ्रू गॉस्पल शेयर करता है, और कई लोग उस वेबसाइट के उस ब्लॉग को पढ़कर विश्वास में आ रहे हैं, लेटर कोच कलिसियाओं में लोगों को वो भेजते हैं। कि हर समय तैयार रहना। और आखिरी बिंदु, तीसरे बिंदु की ओर आऊंगा। पहला मैंने कहा कि हमें हमेशा स्थिर रहना है, दृढ़ता से उसकी सामर्थ्य में स्थिर रहना है, और स्थिर रहने के लिए इन सारे हथियारों को हम पहनना है, और इस हथियार में एक ही एक हथियार है जो कि शस्त्र है, इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, अस्त्र और शस्त्र। सारे जितने हमने बात किया वो सारे डिफेंसिव है, अस्त्र है जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं।
परंतु एक ही है जो शस्त्र है, एक ही है जो ऑफेंसिव है, जो जिससे हम आक्रमण कर सकते हैं, वो है परमेश्वर की आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। कितने लोग परमेश्वर के वचन में दृढ़ होने चाहते हैं इन दिनों में? अगर जितने ज्यादा दृढ़ हम परमेश्वर के वचन में होंगे, हमारी तलवार उतनी ही मजबूत हो जाएगी, और हमें किसी और चीज से आक्रमण नहीं करना है। शैतान का सामना केवल वचन के साथ करना है। शैतान भी वचन के साथ आएगा। यीशु मसीह के पास भी आया और वचन कोट करते करते यीशु मसीह पूछा सारी बातें के, यीशु मसीह भी जवाब देता है, लिखा है तो अपने परमेश्वर को परखना नहीं, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ो, किसी को धन्यवाद नहीं करना। और शैतान सामना कर शैतान वहां से भाग गया। परमेश्वर का वचन वही हथियार है, वही वो शस्त्र है जिससे हमें सामना करना है। इन दिनों में जब आप सेवा करने जाते हैं, कब तक थॉमस मैथ्यू अंकल बोलते हैं कब तक हमें बाइबल पढ़ना है? उनसे पूछा गया, थॉमस मैथ्यू अंकल ने बोला जब तक तुम्हारी आखिरी सांस है तब तक तुम परमेश्वर का अध्ययन करना ना छोड़ो। आप बोलोगे मेरी उम्र तो 60 साल हो गई, मेरी उम्र तो 70 साल हो गई, अब तो मुझे इतना समझ में नहीं आता, फिर भी आप वचन पढ़ते रहो, आखिरी दम तक वचन पढ़ते रहो, क्योंकि वही एकमात्र हथियार है प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है कि हम परमेश्वर की इस आत्मिक युद्ध में हम शैतान का सामना कर सकें। और ये वचन दो धारी तलवार है, एक धारी तलवार नहीं जैसे नेपोलियन ने यूज किया या फिर राणाओं ने यूज किया, एक धारी तलवार नहीं है, दो धारी तलवार है। और दो धारी तलवार का मतलब यह है जब जो चलाता है तो सामने वाले को भी नुकसान पहुंच सकता है, चलाने वाले को भी नुकसान पहुंच सकता है। जरा कल्पना करके देखिए, एक धार वाले चाकू से आप नींबू काट रहे हो और नींबू थोड़ा सा कठोर होगा तो आप थोड़ा सा मार के काटोगे, राइट? दो धारी से करवा सकते हैं, दो धारी तलवार जिसमें धार दोनों जगह है उसमें जरा करके देखिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है, बोलने वाले पे भी प्रभाव करता है, सुनने वाले पे भी प्रभाव करता है। एकमात्र शस्त्र है जिससे हमारे स्वयं की परख होती है और शैतान का भी हम सामना करते हैं। तीसरी बात, जल्दी से मैं आऊंगा, तीसरा बिंदु है 18 से, अगर हम पढ़े 18 से आगे लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अगेन वहां पर एक टीम फॉर्मेशन है और पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, जब बुरे दिन है तभी नहीं, जब अच्छे दिन है तभी प्रार्थना करो, लगातार और आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी है। इन सारे हथियारों के बारे में जब मैंने कहा, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु का वचन हमें चेताता है। और आजकल मैं एक उदाहरण और दूंगा, आजकल की नई गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाने के लिए एक वार्निंग आती है, पुरानी गाड़ियों में नहीं है। और मैंने एक विजिटिंग गेस्ट से पूछा जो यूएस से आए थे, मैंने बोला आप लोग की गाड़ी में ये होता है क्या, ये वार्निंग होता है क्या? वो बोला कभी कभी कोई लाइट जलती है पर वैसे कोई वार्निंग नहीं होता, परंतु भारत में हम नियमों के लिए सीट बेल्ट लगाते हैं या हेलमेट पहनते हैं, इसलिए वार्निंग जरूरी है। इसलिए आजकल की वार्निंग में टिंग 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 जब तक नहीं पहनोगे तब तक चलता रहे। और आजकल तो ऐसा भी शब्द भी आ गया, प्लीज वेयर योर सीट बेल्ट फॉर द सेफ ड्राइव, वो बोलता रहेगा, वो व्यक्ति बोलता रहेगा जब तक आप बेल्ट नहीं लगाओगे। और आज अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो वो बेल्ट लगाने के लिए क्लिप आता है 250 रुपए का, वो क्लिप लगा दोगे उसके अंदर तो बेल्ट पहनने की जरूरत ही नहीं है, वो आवाज भी नहीं आएगी। कई लोगों ने परमेश्वर के वचन को भी ऐसे ही रख रखा है, वो क्लिप खरीद के लगा रखा है, कोई वार्निंग आता ही नहीं है। तीसरा 18 से अगर आप पढ़ के देखें, एकमात्र शक्ति एकमात्र व्यक्तित्व जो हमें लगातार वार्निंग देगा है वो है पवित्र आत्मा। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना और विनती करते जाओ, केवल अपने आप में नहीं, पवित्र आत्मा आपको बताता रहेगा, हे भाई तूने हेलमेट नहीं पहन रखा है, हे भाई तूने बेल्ट नहीं पहन रखा है, तेरा हार्मोन पूरा गिर जाएगा, हे भाई तूने झिलम नहीं पहन रखी, हे भाई तू तो तलवार लेना भूल गया, कलीसिया में गया परंतु तलवार लेना भूल गया। पवित्र आत्मा आपको चेताता रहेगा। कितने लोग उस चेतावनी के लिए तैयार है, या कितने लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना ही बंद कर दिए हैं और वो क्लिप लगा कर रखा है, अब तो वाणी भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, वो वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा की लगातार आवाज सुनते रहो, लगातार उसकी आवाज सुनते रहेंगे तो हमारे इस आत्मिक मल्लयुद्ध में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कितने लोग है उस शक्ति को, परमेश्वर की शक्ति को, ना केवल उसके प्रभाव को जानना चाहते हैं परंतु पवित्र आत्मा की शक्ति भी। इन दिनों में हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा तू हमसे जो बोलेगा हम उसको करने के लिए तैयार है, हम तेरे हमारे कान तेरे उस आवाज के लिए सेंसिटिव रहेंगे, तू कब बोलेगा हम उसको सुनेंगे और हम उस चेतावनी को मानकर हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेजुएट होने वाले विद्यार्थी,
मैं आपसे कहना चाहूंगा वचन की सामर्थ्य आपको जरूरी है, परंतु जब एक एक कदम आप लेते हो पवित्र आत्मा की सुनो, पवित्र आत्मा की सुनकर आगे बढ़ो, तो परमेश्वर आपको लगातार वार्निंग रहेगा कहां पर आपका फॉर्मेशन गड़बड़ा रहा है, कहां पर आपका व्यक्तिगत जीवन में ये बातें कमी हो रही है। सच्चाई कमी है तो परमेश्वर बताएगा सच्चाई की कमी है, धार्मिकता की कमी है परमेश्वर बताएगा, उधार का डोब आपने नहीं बैठ रखा है और आप झूठी शिक्षा के लिए आप ओपन होते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा नहीं नहीं नहीं, वचन में जाओ, वचन में जाओ, उस तलवार को उठाओ, परमेश्वर आपको याद दिलाएगा। कितने लोग हम में से कितने लोग इस बात के लिए तैयार है, जो हम बाहर जाते हैं टिकते हैं। एक बात बताता हूं, जब हम बाहर जाते हैं किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं उससे लोग समझने पाए कि हम में कुछ अलग है, हम में कुछ अलग व्यक्तित्व रहता है, लोग जाने पाए ना केवल हमारे नाम से या बैकग्राउंड से, परंतु लोग हमारे व्यवहार से जाने पाए अरे ये मसीह का बंदा आया है और इसने फुल आर्मरी पहन रखा है। एक क्षण लगेगा आपके द्वारा बनाए गए पूरे उस नाम सम्मान को नाश होने के लिए। इस कलीसिया में मेरे को खुल्लम खुल्ला बोलने का मेरा मन है, वो ये बोलना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे शर्माता नहीं हूँ, मेरे साथ जो हुआ मैं आपके सामने बोलता हूँ। एक बार मैं गाड़ी चला के जा रहा था, किसी और की गाड़ी थी, मेरा परिवार बैठा था, तो एक ऑटो वाला लेफ्ट साइड से आकर गाड़ी को भिड़ाया और उसके बाद मैं थोड़ा मनुष्य है क्रोधित हो गया और फिर उसका पीछा किया, मैंने पीछा किया, उसको ओवरटेक किया और उसको रोक किया और फिर बाहर निकल के आया। मेरी चिंता थी मेरा परिवार आगे बैठा है, उसकी सुरक्षा मेरे ध्यान है, मैं दूसरे की गाड़ी लेके गया हूँ, कौन उसको जवाब देगा। जाकर मैं उसको उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया, पकड़ के उसने मुंह पे, मैंने स्टूडेंट्स को भी बोल रखा, मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, मैं कपड़ा खींच दिया, खींच कर मैंने बोला भाई ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा गुस्से में था, बोला मैं जल्दी में था, मुझे किसी को लेने जाना है, बच्चों को लेने जाना है, मैं जल्दी में था। प्रभु आत्मा ने मुझे बताया छोड़ दे उसको, तो एक सेकंड लगेगा उसको तेरा नाम खत्म होने में। मैंने बोला ठीक है भाई अब ऐसा मत करना, जाओ ठीक है। प्रभु ने मेरे दिल में जैसे दोधारी तलवार घुसा दिया। अगले संडे उस ऑटो ड्राइवर को मैंने चर्च में देखा, वो चर्च में आने वाला बंदा है, वो शायद यहाँ बैठा भी होगा। मैं उसी समय जाके बोला भाई आपको आपको याद है मैं कौन हूँ, मैं थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको पकड़ा था रात को, हाँ भैया वो गलती थी, मैंने क्षमा मांगा। एक सेकंड रहेगा, एक घटना काफी है, एक आपका निर्णय काफी है, आपकी हर एक आपने जितना नाम बना रखा है, जितना मसीह जीवन में आपने नाम बना रखा है, उसको शैटर करने के लिए पवित्र आत्मा उस घड़ी में भी आपको बताएगा छोड़ दे, पवित्र आत्मा बताएगा जाने दे, माफ कर दे। पवित्र आत्मा की सुनोगे तो आप इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, नहीं तो शत्रु को मौका मिल जाएगा। कितने लोग इस बात के लिए, पवित्र आत्मा के इस वचन के लिए, परमेश्वर के इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। अपनी आंखों को जरा बंद कीजिए, मैं कोई ऑन्टर कॉल नहीं देना चाहता, हम स्वयं अपने आप को परखें कि हमारे आत्मिक हथियार कितने मजबूत हैं, या हम पहन के आए हैं, या हमारा आत्मिक जीवन कितना सुरक्षित है, या हम थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं कि पूरी कलीसिया पर उस पर प्रभाव पड़ रहा है। कितने लोग आएंगे बोले प्रभु होने दे, हर समय मैं उन हथियारों को पहनकर उन अस्त्र शस्त्र को पहनकर मैं हमेशा तैयार रह सकूं प्रभु, कि ना केवल मेरे जीवन में नुकसान हो, कलीसिया के जीवन में नुकसान नहीं होना चाहिए प्रभु, मुझे होने दे कि मैं दृढ़ता से खड़ा रह सकूं। और तीसरी बात जो हमने सुना, पवित्र आत्मा की हमेशा सुनो, हमेशा पवित्र आत्मा की सुनो और पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देगा। कितने लोग हम उस बात के लिए तैयार है, आइए अपने आप को हम समर्पित, एक क्षण हम खड़े हो जाएं और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें, अपने हाथों को उठाकर। जितने लोग इसको समझते हैं कि प्रभु का ये वचन मेरे लिए था, अपने हाथों को खड़ा कर हम बोले प्रभु जी तू आज हमें शक्ति दे, सामर्थ दे, ये दिन बुरे हैं, तेरा वचन हमें सिखाता है और पवित्र आत्मा हमारे कानों में लगातार बोलता है। होने दे परमेश्वर जब हम इन बुरे दिनों का सामना करते हैं, हम इस सारे हथियारों को बांधकर दृढ़ता से खड़े रहने पाए और पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुनने पाए, फिर चाहे कष्ट आए, मुसीबत आए, बीमारी आए, तंगी आए, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी आए, हमारे नौकरी के स्थान में हमारा विरोध हो या हमारे लिए कोई भी षड्यंत्र तैयार करे, प्रभु जी हम तेरी आत्मा को हम सुनते रहेंगे। प्रभु जी हमारी आवश्यकता को भी तू जानता है, तूने हमें कहा है कि हमें मजबूती के साथ खड़ा रहना है, पर तो हम ये भी जानते हैं तू हमारे साथ खड़ा है, हमारी परिस्थितियों में, हमारे दुख की वादियों में, मृत्यु की वादियों में, हमारे हर एक परेशानियों में तू हमारे साथ हाथ पकड़कर खड़ा है, तू
तूने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है ताकि हम समय दर समय बल प्राप्त करते जाए। प्रभु उस वचन के सामने, तेरे पवित्र आत्मा के सामने प्रभु जी, तेरे सम्मुख हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इस समय में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में से जितनी भी समस्या यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं तू था और है और हमेशा रहेगा। हमारे लोग हमें छोड़ सकते हैं, हमारे मित्र हमें छोड़ सकते हैं, हमारी परेशानी हम पर प्रबल हो सकती है, लेकिन तू अपना हाथ हमें नहीं छोड़ेगा। प्रभु हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं तू। सभी परिवारों, सभी जनों को, हर एक व्यक्ति विशेष को प्रभु तेरे हाथों में दे दे। सबों को तो सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, शक्ति दे, तेरी शक्ति के प्रभाव को हम समझ नहीं पाए प्रभु। स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को तेरे हाथों में देते हैं, उन्हें आज हमें होने दे प्रभु, हमारे हाथों को बलवंत कर कि उन्हें आशीष के साथ, प्रार्थना के साथ यहां से विदा करने पाए प्रभु। उनका जीवन प्रभु जी तेरी सेवा के लिए बलवंत हो जाए, आशीषित हो जाए, सफल हो जाए। तू युगान युग रहने वाला परमेश्वर है, आज इसे लेकर युगान युग तू बना है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से।